वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें दिया गया है 2^3x + 3 इज इक्वल टू 2^3x + 1 + 48। सो हमें इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। सो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो 2^3x इंटू 2³ इज इक्वल टू 2^3x इंटू 2 + 48। और अब हम क्या करते हैं कि 2^3x जो है इसे हम लेट कर लेंगे y, लेट 2^3x इज इक्वल टू y। सो ये हो जाएगा 2³ मीन्स 8 इंटू y, सो 8y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2y + 48। और 8y - 2y इज 6y इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। देयरफॉर y का वैल्यू हो जाएगा 48/6 इज इक्वल टू 8। सो हमें y का वैल्यू मिल गया है 8। y अगर 8 है तो अब हम x फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर 2^3x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 2^3x इज इक्वल टू 2³। यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि बेस सेम है, सो 3x इज इक्वल टू 3 होगा, और 3x इज इक्वल टू 3 होगा। देयरफॉर x का वैल्यू हमें मिलेगा, यही हमारा आंसर। थैंक यू।